अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आए हैं सॉलिड फाइबर। सॉलिड फाइबर जो बहुत लोग मांगते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सबकी ज़रूरत पूरी करना है। तो सॉलिड फाइबर भी रॉड्स आ चुके हैं, जैसे तीन मॉडल होंगे इसमें सॉलिड फाइबर में, जैसे स्क्रू वाले, नॉर्मल और कलर, ये तीन मॉडल्स के रॉड्स हैं। और थोड़े हमारे पास इस बार नया स्टॉक आया है बोट रॉड्स, बोट रॉड जो हैवी फिशिंग के लिए आया है, तो वो रॉड भी देखेंगे वो रॉड्स कैसे हैं। लेकिन प्राइजेस ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं हर बार जो कम प्राइस मिलता है अच्छा प्रोडक्ट वो लाने की कोशिश करता हूँ, तो वो स्टॉक आया है। तो देखते हैं, सॉलिड फाइबर से स्टार्ट करते हैं क्या क्या स्टॉक में है। और मैं तो ज़्यादातर सॉलिड फाइबर का रेफर तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस बीच जो है फिशिंग अभी बहुत ये आगे जा रहा है, तो हर कोई भी पसंद कर रहा है फिशिंग, तो इसमें बिगनर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बहुत लोग इसमें आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे रॉड्स मैं बोल सकता हूँ। लेकिन रफेयर में कभी भी सॉलिड फाइबर को नहीं करता हूँ, मैं अगेनेस्ट हूँ वो रॉड्स के लिए। फिर भी बहुत लोग मांगते हैं, ज़रूरत पूरी करना है, तो उनके लिए ये लाया हूँ। तो देखते हैं सॉलिड फाइबर में क्या क्या स्टॉक आया हमारे पास इस बार। तो सॉलिड फाइबर तो देखते हैं फर्स्ट में क्या निकलता है, बस एक एक रॉड देख लेंगे, अगर सेम मॉडल्स रहे कुछ रहा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो सॉलिड फाइबर ये आता है 210 मीन्स 7 फीट का है, और इसका नाम उकोमा, इस बार उकोमा बोल के नाम आया है, लेकिन बनता है इंडिया में, सॉलिड फाइबर रॉड्स बनते हैं इंडिया में, तो शायद मुझे जितना पता है उकोमा ब्रांड दिए हैं, लेकिन उकोमा ब्रांड बाहर का है तो नहीं हो सकता है, बस नाम दिए हैं लेके चलाइए। तो उकोमा ब्रांड दिया है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ मत होइए, उकोमा ब्रांड नहीं रहेगा, ये कॉपी रहता है, और कार्बन थोड़ी है, ग्लास फाइबर है, इसको कार्बन दिया है। तो कुछ भी जो मन में आता है वो लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो झूठे हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन सॉलिड फाइबर है, टूटता नहीं है, आप बेफिक्र लिए ये लीजिए, ब्रांड के पीछे मत जाइए, क्रोकोडाइल हो, सॉलिड हो, और एक आता है सॉलिड फाइबर, वो एक आता है, अभी ये आया है, तो नाम से मतलब नहीं है, रॉड से मतलब है, रॉड के पीछे जाइए। तो इसमें कास्टिंग वेट दिया है 30-60 ग्राम, ये एक सही दिया है, बाकी क्रोकोडाइल्स में देता है 100-250 ग्राम, वो नहीं होता है, तो शायद ये सही दिया है कास्टिंग वेट, बाकी सब वही है। तो चलिए, नाम के पीछे मत जाइए, सॉलिड फाइबर है, आप वो लेने की कोशिश करिए। उकोमा मीन्स उकोमा बाहर का ब्रांड है, तो उकोमा में थोड़ी सॉलिड फाइबर बना के बैठेगा, वो चांस ही नहीं है। तो ये देखते हैं, क्योंकि हाँ देखिए वो वाला प्लेन है और ये वाला थ्रेडिंग, तो चलिए देख लेते हैं, थ्रेडिंग और प्लेन का भी मैं डिफरेंस बताता हूँ। हाँ, इसमें प्राइजेस भी चेंजेस रहते हैं थ्रेडिंग और प्लेन के वजह से। तो ये भी दिया है उकोमा ब्रांड दिया है, लेकिन जैसे मैं बोला उकोमा नहीं रहेगा। तो ये भी सॉलिड फाइबर है, फुल सॉलिड, और ये आता है ऑरेंज, येल्लो, गोल्ड कलर, तो ये देख सकते हैं आप, फुल सॉलिड है, आप जितना भी इसको ये कर लो, हाँ टेस्टिंग बहुत लोग करते हैं, ये रॉड्स में टेस्टिंग कर लीजिए, आपको प्रेशर मालूम चल जाएगा, बाकी हॉलो रॉड्स में ऐसे मत करिए। तो 210 ये भी 7 फीट है, और ये विथ थ्रेडिंग आता है, तो मैं थ्रेडिंग और विथआउट थ्रेडिंग ये दोनों बताता हूँ। ये थ्रेडिंग रॉड है, ये जो है ये थ्रेडिंग है, और ये वाला जो है प्लेन है, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला नॉर्मल है। तो उकोमा में सॉलिड फाइबर दोनों सॉलिड ही है, बस इसमें थ्रेडिंग में कलर है, विदाउट थ्रेडिंग में प्लेन कलर है। तो ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, क्योंकि रॉड्स इसमें रॉड्स बहुत सारे हैं,
तो मैं इसको उठा भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे ये वीडियो कभी भी सॉलिड फाइबर का ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो ये देखते हैं ये क्या आया है। ओके सॉलिड फाइबर ट्रांसपेरेंट में 8 फीट और प्लेन, इसमें आया है थ्रेडिंग। तो 8 फीट में थ्रेडिंग का रॉड, 8 फीट का थ्रेडिंग। तो ये भी उकोमा दिया है, शायद पूरा उकोमा ही रहेंगे, ब्रांड उकोमा दिया है। जैसे मैं बोला ट्रांसपेरेंट सॉलिड फाइबर रॉड, मैं ये नाम दे सकता हूँ। हाँ नाम वहाँ भी मैं लिखना ही पड़ेगा उकोमा, तो लिख दूंगा। जैसे मैं बोला वो ब्रांड नहीं है, बस नाम दिया गया है। तो 8 फीट में, क्योंकि पूरे सॉलिड्स हैं तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस वो देख लेते हैं क्या क्या स्टॉक में आया है, बस स्टॉक देख लेते हैं, बाकी सब डिटेल्स में अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये और बहुत जल्द ख़त्म भी होते हैं सॉलिड फाइबर, खासकर बहुत जल्द ख़त्म होते हैं क्योंकि बहुत लोग इसको मांगते हैं। हाँ एक तो प्राइस भी कम है, कम प्राइस में आता है और फास्ट मूविंग भी होता है। तो चलिए सबकी मांग मुझे पूरी करना है, लाना मेरा काम है। तो थ्रेडिंग 8 फीट में थ्रेडिंग सेम है, ये नहीं ओपन करेंगे, जैसे अभी मैं बताया वही रॉड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ही देख लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके थ्रेडिंग में कलर गोल्ड कलर, थ्रेडिंग में जैसे मैं बताया 7 फीट में थ्रेडिंग वाला, सेम ये वाला 8 फीट में थ्रेडिंग है। तो ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है स्क्रैचेस आते हैं, देखिए ये यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको स्क्रैचेस। तो ये स्क्रैचेस को हमें कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये रॉड ज़्यादा वेट होने के वजह से ट्रांसपोर्ट में वो स्क्रैचेस आते हैं, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें फोटोज मत भेजिए क्रॉस स्क्रैचेस हुआ है कुछ भी हो। हाँ गाइड्स अगर कुछ डैमेज है तो आप हमें बोल सकते हैं, वो इसे तो हम चेक करके ही डालते हैं, ऐसे ही पैकिंग नहीं करते हैं। तो रॉड देख सकते हैं 8 फीट में, और बाकी तो इसमें ये गाइड फिनिशिंग ये तो अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। तो चलिए 8 फीट में जैसे मैं बोला स्क्रू वाला, और ये देखते हैं। ओके क्योंकि ये एक एक बॉक्स में बहुत सारे हैं। ओके ब्लू कलर, चलिए ब्लू कलर एक मिला है, सॉरी ब्लू कलर एक मिला है। देखते हैं ब्लू कलर में कौन सा मॉडल आया है। तो ब्लू कलर ओके, ये भी थ्रेडिंग ही है। थ्रेडिंग में आपको ट्रांसपेरेंट ब्लू और गोल्ड, अभी तक ये तीन कलर दिखे हैं, तो आगे के कलर्स भी देखते हैं क्या है। तो जैसे मैं बोला सेम ये भी उकोमा ही दिया है, उकोमा। तो ये भी थ्रेडिंग वाला है ब्लू कलर में, थ्रेडिंग वाला। तो ये थ्रेडिंग देख सकते हैं थ्रेडिंग वाला। तो ब्लू गोल्ड ट्रांसपेरेंट तीन कलर मिले हैं, तो चेक कर लेते हैं। हाँ ये तीनों कलर मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आपको जो कलर पसंद आता है, जब तक कलर्स आपको मिलेगा तब तक आप कलर चॉइस ले सकते हैं। बाकी कलर खत्म हो गया तो जो रहेगा वही मिलेगा। तो ये हो गया। और ये देखते हैं। ओके ये वाला प्लेन, ओके 8 फीट में प्लेन, जैसे वो विदाउट थ्रेडिंग में प्लेन वाला। तो 8 फीट में सेम, ये भी उकोमा ही दिया है, ट्रांसपेरेंट है, तो सेम रॉड रहेगा। ये सब पूरे सॉलिड फाइबर्स ही है, जो बिगनर स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग रॉड हर बार अपने हाथों से तोड़ते हैं वो लोग ज़रूर ये ले लें, क्योंकि बहुत ऐसे आते हैं कंप्लेंट जो रॉड टूटते हैं, सही से इस्तेमाल नहीं करने से रॉड टूटता ही है। तो आप लोग भी इसको लीजिए, वो लाइफ टाइम चलेगा, टूटेगा नहीं। तो ये हो गया। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, हर किसी की ख्वाहिश होती है ब्रांड्स में लेना, लाइट वेट लेना, बहुत सारा रहता है, लेकिन क्या करें, अभी हम कंपनी को भी नहीं बोल सकते हैं। वो लोग ना ना रिप्लाई देते हैं, कुछ भी नहीं, बस उसकी जिम्मेदारी हमारी ही रहती है। ये भी ट्रांसपेरेंट में 8 फीट, तो देखिए यहाँ पे
आप सोचते होंगे ये रॉड में बहुत प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट बहुत कम है, ऐसे 50 रॉड गोडन में पड़े हैं जो डैमेज हुए हैं। तो ऐसे होता है, मेरा पहले ही सबसे कम मार्जिन में मैं सेल करता हूँ, उसमें ये भी हो जाता है, ऐसे बहुत सारे रॉड्स निकलेंगे इसमें से। समझ लीजिए अभी इसमें आए हैं 200-300 रॉड्स तकरीबन इसमें निकलेंगे डैमेज रॉड्स, 30-40 कन्फर्म। तो ये सब हमारे सर पे, तो यही सही। फिर भी देखिए, मैं उसी लिए वो स्क्रैचेस के लिए, वो गाइड्स के लिए, वो सब मैं हर बार बताता हूँ कि ये सब मत भेजिए, क्योंकि दुख होता है जब हम 100-150 में काम कर रहे हैं, उसमें ये कंप्लेंट सॉलिड फाइबर में खास कर आते हैं, तो बहुत हमें अफसोस होता है कि इतना करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए थोड़ा सोचिए, अगर कुछ स्क्रैचेस वगैरह कुछ हो रहे हैं थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, गाइड्स के लिए मेरी जिम्मेदारी है, वो तो चेक करके पैक करते हैं, वो डैमेज निकला तो मेरी जिम्मेदारी है। आपको गाइड्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी कुरियर आप वहाँ से करेंगे, मैं यहाँ से करूँगा, जितना रॉड है उसका दुगना पैसा कुरियर में चल जाएगा, तो उससे अच्छा है कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं निकाल के दूंगा आपको। फिर भी चेक करके ही पैक करते, ऐसा नहीं विदाउट चेकिंग पैकिंग होगा, विदाउट चेकिंग हम पैक नहीं करते हैं, बाई मिस्टेक बाई चांस कभी कभार हो जाता है किसी को, तो उनके लिए वो बता रहा हूँ मैं सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आया हमारे पास। हमारे पास आए हैं बोट रॉड जो हेवी गेम के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो 5-6। और इसका लेंथ जो है मुझे चेक करके अपलोड करना पड़ेगा, चेक करके बताऊंगा मैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका लेंथ 5.6 कुछ दिया है, और ये सिंगल पीस रॉड है, टू पीस रॉड नहीं है, सिंगल पीस प्लस बट जॉइंट भी नहीं है। और ये आता है फुल सॉलिड रॉड, फुल सॉलिड मीन्स बिग गेम के लिए खासकर। तो चलिए देखते हैं, और इसके गाइड्स भी आप देख सकते हैं, वाह बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन रॉड है। चलिए आप थोड़ा रॉड देख लीजिए, फुल सॉलिड आता है, फुल सॉलिड, ये जो आगे का टिप दिया है फुल सॉलिड आता है। और हाँ, ये गाइड्स भी देख सकते हैं, ये गाइड्स तो न्यू मॉडल गाइड्स है, जैसे विदाउट सेरेमिक्स बनाए हैं। और ये वाला, और ये आगे का ये आप देखते होंगे शायद, ये वाला विथ बेरिंग के साथ, जैसे वो जो लाइन रन होता है, तो बहुत इजीली। तो बोट रॉड तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, कम प्राइस में हेवी रॉड बोल सकता हूँ मैं, कम प्राइस में हेवी रॉड। ओके, तो इसका भी फॉल्ट मैं बताता हूँ। ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो है बस यहाँ तक ही है, तो यहाँ एंड तक ये सॉलिड नहीं है, मीन्स ये जो सॉलिड टिप है यहाँ तक नहीं है, जितना मैं महसूस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं। तो रॉड तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उतना ताकत नहीं है, रील सीट में जो ताकत देना है बोट रॉड को, उतना ताकत नहीं है, लेकिन क्या करें, वो रॉड के प्राइस के हिसाब से उतना ही बनाए होंगे शायद, तो खेल सकते हैं क्योंकि ये फुल सॉलिड आता है। आप ये देख सकते हैं, आप ये मेरा प्रेशर देख सकते हैं, मैं इसको जितना भी ये कर लूँ टूटेगा नहीं, चांस ही नहीं है टूटना। ये रॉड बिग गेम के लिए 50 किलो 20 30 आपका चॉइस है, जितना चाहिए मारो, कुछ नहीं होगा, रॉड तो मेरा गारंटी है। लेकिन ग्रिप मैं बताता हूँ, ग्रिप आप, हम लोग यहाँ पे ग्रिप देते हैं, तो यहाँ पे अभी ये ग्रिप छोड़ दीजिए, अगर आपको ये रॉड हैंडल करना है बस ये, या तो ये हाफ ग्रिप यहाँ पे इसको मेंटेन कीजिए, यहाँ पे अगर मेंटेन करेंगे ये रॉड कुछ नहीं होगा। बस मुझे जितना जानकारी है मैं हर कुछ समझा देता हूँ कि ऐसे करिए, आगे आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इसका प्रॉब्लम यहीं पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अपना ग्रिप मत दीजिए, यहाँ पे देंगे तो टूटने का चांसेस बहुत रहेगा, क्योंकि हेवी गेम रॉड है,
आप इस पे ट्रोलिंग रील्स भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रील्स भी स्पिनिंग वाले यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था बोट ट्रोलिंग के लिए, ट्रोलिंग के लिए आप बिल्कुल मत लगाइए ये, जितना मुझे पता है, क्योंकि पूरा रील्स के साथ टूट के लेके जाएगा। क्योंकि पहले ही मुझे सब बता देना है, क्योंकि आप लोग लेने के बाद वो ये नहीं होना है, तो इसीलिए मुझे पूरा क्लियर करना है। जितना मैं बोला यहाँ पे ग्रिप दे लीजिए, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ग्रिप दीजिए, रॉड कुछ नहीं होगा, फुल सॉलिड आता है, टूटने का तो चांस ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जिस जिसको पसंद आता है। हाँ, मेरा सिंपल सा ये है, सेल हो या ना हो मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पड़ा रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन जो है सब कुछ मुझे बताना है ओपनली, वो सेल हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बता के देना मेरा काम है, वो मेन पॉइंट है। तो ये हो गया, और नेक्स्ट आता है, हाँ इसमें साइजस, इसमें शायद तीन साइजस में आए हैं, तो तीन साइजस तो सेम वैसे ही रहेंगे या कुछ डिफरेंस रहेगा क्या मालूम नहीं, चेक कर लेते हैं, एक 2 मिनट्स लगेगा, चेक कर लेंगे ताकि वो आपको लेने में आसान हो जाए। हाँ, उसको आप अल्टर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का पॉपिंग रॉड्स जो लिए हैं, पॉपिंग रॉड्स उनके क्या होते हैं, आगे का टिप भी टूटा हुआ रहता है, तो आप लोग भी इसको लेके अपने पॉपिंग रॉड में बना सकते हैं, बहुत आसान है, बना सकते हैं। क्योंकि हमारा बट यहाँ तक रहता है, हमारे पास ऑलरेडी जो रॉड्स यूज़ कर रहे हैं पॉपिंग रॉड्स, तो शायद बट रखे होंगे आप लोग, तो क्या होता है आप इसको लेके काट के अपना बट जॉइंट में वो जॉइंट कर सकते हैं। टेक्निक मैं हर बार वही बताता हूँ, कम प्राइस में कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ आप लोग जुगाड़ कर ले, उसमें बना ले, कुछ कर ले, तो यही मेरी कोशिश है, कम प्राइस में अच्छा चीज़ लाना, साथ में उसका जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करना मेरा काम है, तो यही पे क्लियर करता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार, आप वीडियो जब देख रहे हैं तो एंड तक वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सॉलिड फाइबर ये भी सेम है, जैसे मैं बोला फुल सॉलिड, ये सब उतना आसान से टूटने के नहीं है, तो ये भी फुल सॉलिड है, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें मेरे हिसाब से एक आदमी को आराम से उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं ये रॉड में, तो फुल सॉलिड है। तो चलिए देख लीजिए, जैसे मैं बोला सेम, ये भी सेम है, ये जो रील सीट में प्रेशर नहीं है, इसमें ताकत नहीं है, ओके, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है। तो ग्रिप, यहाँ पे ग्रिप दीजिए, यहाँ तक का ग्रिप परफेक्ट है, तो यहाँ ग्रिप मत दीजिए, सेम रॉड है। तो ये एक हो गया, और एक रॉड है, तो देख लेते हैं वो रॉड भी कैसा है। तो चलिए, शायद ये 60 60, ओके, हाँ ये छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है, मतलब रॉड देख लेते हैं गाइड्स कैसे हैं उसके, क्योंकि गाइड्स डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो सेम डिटो वही है, और गाइड्स नॉर्मल गाइड्स हैं, ऐसा नहीं कि फूजी गाइड्स वो सब नहीं है, क्योंकि कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो कम प्राइस का रॉड है, तो गाइड्स उतने खास नहीं रहेंगे। तो चलिए बढ़िया है, सेम रॉड है, सेम है, जैसे OSP, हाँ ये ब्रांड बताना भूल गया, OSP ब्रांड है, OSP ब्रांड में बहुत सारे रॉड्स आते हैं, जैसे टेलीस्कोप भी आते हैं, टू पीस पे भी आते हैं, और ये बोट रॉड आए हैं। तो ये बोट रॉड लाने की वजह बस मेरा वो जो छोटा रॉड है जो मैं लाइन फिलिंग के लिए रखा हूँ, वो बहुत लोग मांग रहे थे, तो सोचा चलो बहुत लोग मांग रहे हैं तो ये भी लाएंगे, तो लेके आया हूँ। जैसे मैं बोला वैसे इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं होगा, फुल सॉलिड है ये, हलो नहीं है। और हाँ, इसका मैं प्रेशर बताता हूँ, देखिए आप, तो ये देख सकते हैं ये प्रेशर है इसका, उतना आसान से नहीं टूटता है। तो देखिए जैसे आपको मर्जी, जैसे आपको लगता है, आपका अगर पॉपिंग रॉड्स टूटा है तो लेके इसमें बना सकते हैं, या तो इसी पे खेल सकते हैं,
या तो इसको और ग्रिपिंग के लिए आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, बस आपके टेक्निक के हिसाब से, बस इसमें बहुत काम लग जाएगा, शायद आपको पता नहीं चलेगा। अगर हो सके तो, अगर मेरा थोड़ा माइंड चला तो ये रॉड बना के बताऊंगा मैं, देखते हैं। अगर फ्री टाइम मिला तो अभी मत पूछिए बनाइए, नहीं बनाऊंगा, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तभी बनाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, और देखते हैं ये किस किस को मिलने वाला है, क्योंकि सॉलिड फाइबर जो है आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जब तक स्टॉक है थोड़ा तुरंत ले लीजिए, ख़त्म होने के बाद फिर टाइम लगता है रिस्टॉक होने में। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट आया है तो पूरा एक साथ फिर अपलोड होगा, और खास कर ये सॉलिड फाइबर के रॉड जैसे मैं बोला, तो इसमें अगर कुछ डैमेज हुआ यहाँ से, तो जैसे मैं बोला चेक करके डालते हैं, चेक करके ही डालेंगे, बाई चांस वो मिस्टेकली वो गाइड्स डैमेज हो गए तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोला बहुत सारे वीडियोस हैं हाउ टू चेंज गाइड्स, वो मारेंगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो गाइड्स मैं भेज सकता हूँ फ्यूचर, वैसे तो नहीं आएगा जितना मुझे पता है, वैसे तो चांस ही नहीं है, बाई चांस आ गया तो गाइड्स मैं भेजूंगा, आप लोग उसको चेंज करके बना सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि जैसे मैं बोला कुरियर चार्जेस यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उससे अच्छा रॉड ही चेंज कर सकते हैं, रॉड नहीं टिप चेंज कर सकते हैं। और बस आज के लिए जैसे मैं बोला रॉड्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों को इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं।